हम में से बहुत से लोग WWE के फैन हैं और हम सभी का कोई ना कोई फेवरेट रेसलर तो होगा ही। अगर हमें कभी हमारे फेवरेट रेसलर से मिलने का मौका मिले या उन्हें देखने का मौका मिले तो हम उनसे बहुत रिस्पेक्ट से पेश आएंगे। लेकिन सभी फैंस एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ फैंस तो इतने खतरनाक होते हैं कि वो अपने फेवरेट रेसलर पर ही हमला कर देते हैं और कुछ फैंस तो उन्हें गलत तरह से छूने की कोशिश करते हैं। आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही फैंस को देखने वाले हो जिन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी और कुछ ऐसी हरकतें कर दी जो उन्हें नहीं करना चाहिए थी। नंबर 7, साशा बैंक्स। 4 महीने तक रॉ से गायब रहने के बाद जब द बॉस साशा बैंक्स रॉ में रिटर्न करती हैं और बेकी लिंच के साथ अपनी नई फ्यूड शुरू करती हैं, ये सब कुछ एक सेटअप था जिससे उनका मैच क्लैश ऑफ चैंपियंस में वुमन चैंपियनशिप के लिए हो सके। इस टाइम पर बेकी लिंच वुमन चैंपियन थी और साशा बैंक्स उन्हें चैलेंज कर रही थी। इस मैच के दौरान बेकी लिंच के हाथ से गलती से रेफरी को लग जाती है और जब कोई भी इस मैच को ऑफिशिएटिंग नहीं कर रहा होता है तब ये दोनों रेसलर ही क्राउड में लड़ने के लिए पहुंच जाती हैं और इनकी लड़ाई रिंग एरिया के पास में भी होती है। और जब ये लड़कर रिंग साइड के पास पहुंचती हैं तब इस टाइम पर बेकी लिंच साशा बैंक्स को बहुत बुरी तरह से मार रही होती हैं और जब वो साशा बैंक्स को बैरिकेड के ऊपर से फेंकती हैं तब फ्रंट रो में बैठा हुआ एक फैन साशा बैंक्स को पीछे की तरफ टच करने की कोशिश करता है। इसी के कुछ सेकंड के बाद ये सेम फैन ही साशा बैंक्स के हाथों को पकड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन इस फैन की ये हरकत सभी नोटिस कर लेते हैं, जिसके बाद ऑनलाइन भी इस एक्सीडेंट को लेकर काफ़ी चर्चा हुई। इस घटना के बाद इस फैन को इस बिल्डिंग से निकाल दिया जाता है और इस घटना के कुछ दिनों के बाद ये न्यूज़ मिलती है कि उस फैन को अपने की सज़ा मिल चुकी है और उसे हमेशा के लिए ही WWE से बैन कर दिया गया है, यानी कि वो अब कभी भी WWE का कोई भी इवेंट अटेंड नहीं कर पाएगा। नंबर 6, अलेक्सा ब्लिस। अलेक्सा ब्लिस WWE की बहुत ही जानी मानी रेसलर हैं जिन्हें बहुत से लोग उनके रेसलिंग के अलावा उनके लुक के लिए भी पसंद करते हैं। लेकिन अगस्त 2017 में उनके साथ एक बहुत ही अजीब एक्सीडेंट हुआ जब वो एक मैच में कम्पीट कर रही थी। ये एक अनटेलीवाइज्ड WWE लाइव इवेंट था जिसे TV पर दिखाया नहीं गया था। इस मैच के बाद जब नया जैक्स अलेक्सा ब्लिस को लेकर रिंग से बाहर जा रही होती हैं, इस टाइम पर अलेक्सा ब्लिस नया जैक्स के शोल्डर पर थी। जब नया जैक्स आगे की तरफ बढ़ती हैं तब फ्रंट रो में एक यंग फैन बैठा होता है जो कि इस अपॉर्चुनिटी का बहुत ही गलत फायदा उठाता है और अलेक्सा ब्लिस को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। इस टाइम पर नया जैक्स अलेक्सा ब्लिस को बचाने की कोशिश भी करती हैं और वो फौरन ही वहां से घूम जाती हैं। लेकिन जब वो ये देखती हैं कि ये लड़का बहुत ही छोटा था तो वो इस बात को इग्नोर कर देती हैं। इस एक्सीडेंट के कुछ टाइम के बाद जब अलेक्सा ब्लिस से इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि उन्हें इस एक्सीडेंट के टाइम पर यह लगा था कि ये सब कुछ नया ने किया है। नंबर 5, रैंडी ऑर्टन। WWE में रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर बहुत ही अकड़ू और एटीट्यूड वाला है जिसकी वजह से बहुत से रेसलिंग फैंस उन्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं और बहुत से लोग तो उनसे चिढ़ते भी हैं। लेकिन अगर आप WWE के स्टेडियम में बैठे हुए हो तब आप किसी भी रेसलर को कुछ भी कह सकते हो, लेकिन उन पर हाथ उठाना आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है होती है। अगर सिक्योरिटी उस फैन को नहीं पकड़ती तो शायद रैंडी ऑर्टन उसे बहुत ही मारते हैं और अपना बदला ले लेते हैं। नंबर 4, नतालिया। मेन इवेंट के एक एपिसोड के दौरान नतालिया का मैच अक्साना के साथ में था और इस टाइम पर नतालिया नॉर्मल की तरह ही अपना एंट्रेंस कर रही थी और जैसे कि वो एंट्रेंस के टाइम पर अपने फैंस से मिलती हुई आती हैं वैसे ही उस दिन भी वो अपने फैंस से मुलाकात कर रही थी। और जब वो रिंग के पास बैठे हुए अपने कुछ फैंस के साथ फोटोज क्लिक करवा रही होती हैं तब एक यंग बच्चा उन्हें ऐसी जगह पर टच कर देता है जहां पर उसे टच नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ बहुत ही जल्दी में हुआ, शायद ये बच्चा कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था और शायद ये इसने गलती से किया हो। नतालिया ने इस बात को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया और ऐसी हरकत करने के बावजूद भी उन्होंने उस फैन से हाई फाइव भी किया। नंबर 3, रोमन रेंस। आपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को बहुत से रेसलर्स के द्वारा एक औजार के तौर पर यूज करते हुए जरूर देखा होगा और बहुत से रेसलर्स अपने अपोनेंट को इस बैग से मारना पसंद करते हैं। लेकिन क्या हो जब WWE का कोई फैन किसी रेसलर पर से यूज करने की सोचे। अगस्त 2015 को विक्टोरिया ब्रिटिश कोलंबिया में WWE का एक लाइव इवेंट चल रहा था और इस इवेंट के दौरान ब्रे वाइट और रोमन रेंस का मैच चल रहा था।
लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस के साथ में कुछ बहुत ही अजीब घटना हुई। ऑडियंस में बैठे हुए एक फैन ने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के रेप्लिका को रोमन की तरफ फेंक दिया, जो कि सीधे जाकर उनके सर के ऊपर लगा। और जिन लोगों ने ऐसा होते हुए देखा, उन्होंने बताया कि रोमन को इससे बहुत तेज दर्द हुआ। जिसके बाद पुलिस ने इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की, तब उन्हें यह पता चला कि यह सब कुछ एक 31 साल के एक आदमी ने किया है। जिसके बाद पुलिस ने उस पर कोई चार्जेस तो नहीं लगाए, लेकिन उसे WWE से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। नंबर 2, एडी गरेरो। लेडर मैच अपने आप में ही एक बहुत खतरनाक मैच होता है, क्योंकि इसमें अपने अपोनेंट के साथ में आपको लेडर के साथ भी लड़ना होता है। लेकिन क्या हो अगर इसमें एक फैन भी इन्वॉल्व हो जाए। 2002 में मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के दौरान रॉब वैन डैम और एडी गरेरो के बीच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक लेडर मैच हो रहा था। इस मैच के दौरान जब एडी गरेरो लेडर पर चढ़ रहे थे, तब एक फैन अचानक से रिंग में घुस आया और उसने एडी गरेरो की लेडर गिरा दी। लेकिन किस्मत से एडी ने उसे पहले ही देख लिया था, जिससे कि वो पहले लेडर से कूद पड़े, जिसके बाद फॉरेन सिक्योरिटी रिंग में आ गई और उस फैन को वहां से ले गई। लेकिन सिक्योरिटी के ले जाने से पहले ही एडी ने उस फैन को कुछ पंचेस भी मार दिया है। और जब एडी गरेरो से इस बारे में पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि उन्होंने पंचेस इसलिए मारे थे ताकि ये आदमी बाद में कभी किसी के साथ में ऐसी हरकत वापस ना करे। नंबर 1, निक्की बेला। बेला ट्विंस WWE की बहुत ही फेमस रेसलर्स हैं, जिनके लगभग पूरे इंटायर करियर में ही उनका एक ही म्यूजिक जिसमें वो कहते हैं कि आप हमें देख तो सकते हो पर छू नहीं सकते। लेकिन ओहायो के रहने वाले एक फैन ने इस बात को इग्नोर कर दिया और कुछ बहुत ही तूफानी करने की सोची। सुपरस्टार इवेंट के एक शो में जब निक्की बेला अपना एंट्रेंस कर रही थी और अपना एंट्रेंस करते वक्त वो लोगों से हाथ मिलाते हुए जा रही थी, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा फैन बैठा हुआ था जिसका इरादा सिर्फ हाथ मिलाने का नहीं था। जब निक्की बेला इस फैन के पास पहुंची, तब इसने बदतमीजी करना शुरू कर दी। इसने निक्की बेला का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ खींचकर उनके गाल पर किस करना शुरू कर दी। यह WWE का एक बहुत ही स्पेशल फैन था, जो कि जब भी WWE का इवेंट क्लीवलैंड ओहायो में होता था, तब यह हमेशा ही उस इवेंट को अटेंड करता है। लेकिन निक्की बेला ने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और इस फैन की इस हरकत को इग्नोर कर दिया। लेकिन सिर्फ WWE ही नहीं है जहाँ पर रेसलर्स के साथ में कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं। 2019 में द मैक्सिकन रेसलिंग कंपनी AAA में भी एक फीमेल रेसलर के साथ में कुछ ऐसे ही हुआ था। इस कंपनी का एक इवेंट चल रहा था जिसका नाम क्वेनक्विस्टा टोटल एंड कैनकुन था। इस शो के दौरान स्कारलेट बॉडी एक्स 6 वुमेन टैग टीम में कम्पीट कर रही थी और इस मैच के दौरान स्कारलेट एक क्रॉस बॉडी रिंग के बाहर की तरफ परफॉर्म कर देती हैं, और जब वो उठती हैं तब एक फैन उन्हें रिंग साइड की तरफ से अपनी तरफ खींच लेता है और उनके हाथों को पकड़कर उनकी बॉडी को टच करने लगता है। लेकिन किस्मत से वहां पर लेडी शानी मौजूद थी, जो कि उस टाइम पर स्कारलेट की टीम पार्टनर भी थी। ये उन्हें बैरिकेड से खींच लेती हैं और उन्हें उस पागल फैन से बचाती हैं। और इस एक्सीडेंट के बाद ही स्कारलेट ने इसे अपने ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें इस एक्सीडेंट से बहुत ही बुरा लगा है और उन्होंने शानी को हेल्प करने के लिए थैंक्स भी कहा। दोस्तों, अगर आपको कॉमेडी वीडियोस देखने का शौक है तो आपको जेजी प्रोडक्शन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर जाकर उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको इन सभी एक्सीडेंट्स में से कौन सा एक्सीडेंट सबसे शॉकिंग लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।